अगली खबर है मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दों को लेकर, जहां प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में पार्षदों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस चुनाव में 46 नगरीय निकायों में 3422 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 25 पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में हो रहे चुनाव में नाम वापसी के बाद 3422 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 25 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें से नगरीय निकाय खुर्रई में 21 और बमनी बंजर बैहर महेश्वर और थांदला में एक एक पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि 46 नगरीय निकायों में 4760 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 227 नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए गए। कुल 1244 नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थियों ने वापस ले लिए। अब 3422 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। आज मतदान होने के बाद 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। इन 46 नगरीय निकायों के चुनाव में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में 6 निकायों के लिए मतदान होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के क्षेत्र मंडला डिंडोरी, मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के गृहनगर गढ़ाकोटा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुर्रई में चुनाव होना है।